दो गेंद पे दो रन इस समय परमार वॉरियर्स। परमार वॉरियर्स की टीम इस समय दो गेंद पे दो रन बना चुकी है। जबरदस्त ये मुकाबला चल रहा है। थोड़ा सा पब्लिक का भी व्यू लिया जाए कि उनका ओपिनियन लिया जाए कि कैसा है माहौल और किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं। शुरुआत कहां से करते हैं? इधर से ये देखिए, यही से बात करूंगा मैम। क्रिकेट नहीं, नहीं, क्रिकेट की चर्चा चल रही है कि कोई और चर्चा चल रही है? क्रिकेट की चल रही है। तो किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं? दोनों टीम। ये तो गलत बात है, किसी एक टीम को। अच्छा, बैटिंग टीम के कितने सपोर्टर हैं? बैटिंग के तालियां बजाएं। बैटिंग टीम के ओ बैटिंग टीम के ओके। फील्डिंग टीम के सपोर्टर तालियां बजाएं। फील्डिंग के फील्डिंग पापरे वर्षा वाली टीम आपकी है, और गर्मी वाली टीम, ठंडी वाली टीम, दोनों टीम हमारी है। किसने बोला जो जीता हो हमारी टीम? मैम अपना नाम बता दीजिए। अपना नाम बताइए, दूसरे का नाम बता रही है। कह रहे जो टीम जीतेगी वो हमारी है। दोनों टीम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए बस। हाँ, कब तो मैग्नम में जाने वाला है, तो मैच रुकवा दे क्या? जो जीतेगा तो मैग्नम में जाएगा, कब तो मैच बंद करवा दे क्या? अच्छा अच्छा, होना चाहिए। दोनों में हमारी फ्रेंड है, पर पब्लिक सब लेके नहीं जाएगी ना। क्या बात है मैम, मैं चला जाता हूँ। देखिए गुस्से मोबाइल फेंक रही है तो। हाँ यस यस, अच्छा मुकाबला है। लेडीज टीम तो बहुत एक्साइटेड है, लेडीज के सपोर्टर भी एक्साइटेड है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी बहुत जबरदस्त चर्चा चल रही है। सर बड़े ध्यान से देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? नाम जगदीश। जगदीश जी बहुत ध्यान से, सच में। तो आपको बैटिंग वाली टीम अच्छी लग रही है या बॉलिंग वाली? कौन वाली? ये अभी बैटिंग वाली टीम। अच्छा, आपने कहा बैटिंग वाली टीम जीतेगी, विकेट गिर गया, नजर लग गई। पहले जगदीश जी बचाते तो नींबू मिर्ची लेके आता मैं। आप बताइए सर जी। चलिए आप बताइए सर, आपको भी लग रहा है कि बैटिंग वाली टीम? मेरा तो दोनों है। दोनों लोगों का नाम बताइए जो बैटिंग टीम में है उनका। बैटिंग में ऋषिका। बैटिंग में ऋषिका, यस। और फील्डिंग में? फील्डिंग में टीना। क्या सर, आप जैसा इंसान, दोनों हाथ में लड्डू। आप बड़े हैं, नहीं तो मैं बोलता कि आपका नाम, दोनों हाथ में आपके लड्डू। आप बड़े हैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं बोल देता आपके दोनों हाथों में लड्डू। आपका नाम होना चाहिए प्यार से गुड्डू। अब बारी आती है हमारे टॉस के बॉस यानी कि धवल जी की फैमिली से जो भी मेंबर यहाँ पे हैं आ जाएं, हमारे टॉस के बॉस। और ये तोलानी जी को मैं चाहूंगा कि आप आए, आपके करकमलों द्वारा ये पुरस्कार दिया जाएगा। आइए सर। अच्छा, धवल जी के ये कजिन ब्रदर हैं संपत जी, जो कि ये मोमेंटो लेते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। संपत जी, धवल भाई ऐसे ही
फोटोग्राफर हमारे आ जाएं, फोटोग्राफर आ जाए टॉस के बॉल। इसी में फोटो ले लीजिए, चलेगा, ले लीजिए। मैच भी बड़ा दिलचस्प है, शोर शराबा बता रहा है कि क्या हो रहा है ग्राउंड में। छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो डांस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे टॉस के बॉस धवल जी एंड फैमिली। हमारे 4 & 6 के स्पॉन्सर यहां पर दोलानी जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत 4 & 6 लगा सर, बार बार दोलानी दोलानी ये नाम अब यूट्यूब जहां जहां भी चलता है, विदेशों में भी मैग्नम से निकल करके हर जगह दोलानी दोलानी हो चुका है। क्या लगता है सर इस बार 4 & 6 आने वाले समय में और कुछ ऐसे ही और जबरदस्त स्पॉन्सरशिप आपकी तरफ से लग रहा है मुझे मिलने वाली है कि आप ही का नाम सबसे ऊंचा होने वाला है? दोलानी जी क्या कहना चाहेंगे? कोई इनके बच्चे लेते रहेंगे, कोई इनके आर्टिस्ट। क्या बात है, ये हुई ना बात कि बच्चे जब भी जो जरूरत पड़ेगी जैसे आएंगे हमारी तरफ से बिल्कुल हाँ होगा। दोलानी साहब अच्छे काम में हम लोग साथ में रहते ही रहते हैं, बिल्कुल आप लोग ऐसे ही साथ दीजिए। और हमें अब थोड़ा चलना पड़ेगा मैदान में क्योंकि मैच बहुत जबरदस्त चल रहा है। आफ्टर 2.5 ओवर स्कोर इज 23। परमार वॉरियर्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है। परमार वॉरियर्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है। रन यहां पे केवल 23 बने हैं, 3 ओवर समाप्त हुए हैं, 4 विकेट गिर गए हैं, लेकिन अभी भी ये अच्छी स्थिति है। रन बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, लेकिन सामने एसवी राइजिंग स्टार की टीम भी, ये भी जबरदस्त टीम है। दोनों के बीच ये मुकाबला हो रहा है। रन के लिए, रन के लिए, रन के लिए, रन के लिए, बच गई। हा हा, सपोर्टर ऐसे उछल रहे हैं, दर्शक ऐसे उछल रहे हैं जैसे कड़ाही में पॉपकॉर्न उछल रहा हो, वैसे दर्शक उछल रहे हैं, सपोर्टर उछल रहे हैं। थोड़ा सा सुरक्षित क्रिकेट खेलने की जरूरत है, चोट किसी को ना लगे। आके आके देखिए, बिल्कुल अब कहा गया दीदी जाओ, जाओ ना, जाओ नहीं तो मैं चली जाऊंगी। स्टंप के बाहर एसवी राइजिंग स्टार्स की टीम बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है। इस बार शॉट अच्छा है, डिंपल ने कैच को किया सिंपल, वर्षा ने कैच को लपक लिया। बहुत अच्छी, अच्छा प्रयास। यहां से देखिए ना क्या कैमरा वर्क है। एक गेंद इसे खेल दिया, उछाला मिड ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पे कौन थी, डिंपल, हाथ लगा, कैच हो गया सिंपल, उसके बाद उसे लपक लिया किसने, वर्षा ने। बहुत अच्छी फील्डिंग। जो टीम बैटिंग में इतनी महारत हासिल की है, जिसमें इतने 6 लगते हैं, उस टीम को रोका गया यहां पे। अभी भी श्वेता और साथ में उनके मनीषा न्यू बैटर दोनों हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर से अंजलि बापना। बल्ला घुमा, गेंद बल्ले पे नहीं आई, तू रूठी रहे मैं मनाता रहूं, सिलसिला ये जारी है, उस पे गेंदबाज का कहर भारी है। जीत की तैयारी है या जश्न की तैयारी है,
अभी तो बैटिंग करने वाले टीम के फील्डिंग की भी बारी है, फील्डिंग की भी बारी है। अभी तो मैच जबरदस्त है, माहौल बना है, दर्शक उछल रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं कह रहे हैं चाहे जो टीम जीते हमें खुशी होगी, लेकिन कभी कभी कुछ जुबां पे कुछ और दिल में कुछ होता है। मना किसी और टीम के लिए रहे हैं, कामना किसी और टीम के लिए कर रहे हैं। पोरवाल वॉरियर्स की टीम 3.3 ओवर के बाद 25 पे 7, आखिरी जोड़ी रोहित भाई 7 यानी कि 9। अब पूरा पूरा ओवर खेलना चाहिए वहां पर। पोरवाल वॉरियर्स को रन आउट तो नहीं होना चाहिए इन बैटर को। ओवर अभी बचा हुआ है लेकिन यह समाप्त, 25 बने 26 का टारगेट एसबी राजेश चार के लिए। और हैट्रिक बनी यहां पे, कोई बचा है क्या? जो बचे हैं, जो बचे खुचे लोग हैं वो आ जाएं। एसबी राइजिंग स्टार की टीम तो बिल्कुल स्टार की तरह बोल रही है, जिसको आना हो आ जाओ, अब जिसको आना हो आ जाओ। सिक्स बनाने हैं, क्या फाइनल की चैंपियन परमार वॉरियर्स या एसबी राइजिंग स्टार्स ये 26 बना करके चैंपियन होगी? वक्त किसके साथ होगा? अंपायर अपने प्लेस पे जाते हुए, बहुत दबाव अंपायरों पे, उसे बहुत झेला है हमारे तीनों अंपायर ने। इनिंग शुरू की जाए और फाइनल मैच का टॉस अभी होगा या बाद में होगा? रोहित भाई मेंस टीम का फाइनल रोहित भाई अभी होगा कि बाद में, मतलब टॉस फाइनल का? ओके हमारे देखिए आज के फूड के स्पॉन्सर की तरफ से बहुत अच्छे फूड की व्यवस्था की गई है। लेकिन रोहित भाई अक्षय जी बुला रहे हैं। नितिन भाई भी हैं इधर, नितिन भाई हैं क्या इधर? हाँ ठीक है, कोच है, हाँ चक दे इंडिया। बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है यहां पे, कहने को तो 26 ही करने हैं, लेकिन दिल्ली दूर हो सकती है, अभी भी ये मुकाबला है। अच्छी फील्डिंग करके पोरवाल वॉरियर्स की टीम को, अच्छी फील्डिंग करके, अच्छी गेंदबाजी करके इस मैच में थोड़ा सा अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी, अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगा। नो बॉल पे जितनी वहां पर टीना खुश नहीं हुई, उससे ज्यादा नितिन भाई खुश हो गए।
ये शॉट अच्छा है और छह रन। दोलानी सिक्सर, अंगूठी हाथ में, अंगुली अंगुली में, अंगूठी हाथ में, अंगुली अंगुली में, अंगूठी अंगूठी में, नगीना नाम है टीना। नितिन भाई कह रहे हैं ओ टीना तेरे बिना क्या जीना, क्या जीना हो। शानदार बैटिंग, एक और यहाँ पे लाजवाब शॉट, नो बॉल। डिंपल जी टेंशन में है, नो बॉल, फ्री हिट है। बहुत अच्छी बैटिंग हो रही है, ये भी शानदार शॉट है। लेकिन कल्पेश भाई, हमारी कमेटी मेंबर डिंपल जी भी थोड़ा सा थोड़ा टेंशन में है आज, लेकिन जब ये टेंशन ले रही थी इनकी टीम अच्छा खेल रही है। हाँ बसंत भाई, बहुत अच्छी बैटिंग कर रही है वहां पे टीना, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए बसंत भाई? बसंत भाई हमारे आज बॉल के ऊपर नितिन भाई का फोटो है, इसलिए बॉल की धुलाई हो रही है। अब कोई भी हो अपने तो जीतने से मतलब। चौबीस पे दस चाहिए, अभी क्या है वहां पे फैसला नहीं आया है इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। अंपायर क्या है फैसला, क्या आया ये? दो रन, यस दो रन। एक बार फिर से तैयार है बैटर यहां पे, रेशमा दो गेंद पे दो रन बना करके खेल रही है और टीना छह पे बारह। शॉट अच्छा है, यहां पर एक रन मिलेगा। अब तो नौ रन चाहिए यहां से। सत्रह, हाँ 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 पक्का सही बोला आपने, सत्रह बने हैं। बल्ला चला आगे, बल्ले पे नहीं आई। ये टीम अब जाके सही डिसीजन ली है कि अपने किस बैटर को ओपनिंग में भेजना चाहिए। ये नितिन भाई की ट्रेनिंग है। अठारह बन गए हैं, आठ और चाहिए। हवा में गेंद, कैच, एक विकेट का पतन। रेशमा वहां पर आउट होकर के वापस आती हुई। न्यू बैटर, क्या शोर शराबा है, शोर शराबा, वर्षा वर्षा वर्षा, क्या बात है। छोटा बच्चा है वो खोल सकता है गेट को, बंद करिए। डिंपल जी कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, हाँ उन्नीस, 19, 19, सात और चाहिए। अठारह गेंद में सात रन चाहिए। डिंपल जी क्या कुछ नहीं बोलने वाली आप? कुछ नहीं, ये मंत्र पढ़ रही है हमारी कमेटी मेंबर है और अपनी टीम के लिए, एसबी राइजिंग स्टार के लिए प्रार्थना करती भी। वर्षा सामना करने के लिए ऋषिका का, अच्छी बैटिंग है। जहां सुई से काम चल जाए वहां तलवार की आवश्यकता क्या? तलवार काटती है, तोड़ती है, सुई जोड़ती है।
बॉलिंग अच्छी है, बॉलिंग करने वाली टीम के लिए भी तालियां बजाइए। अच्छा खेल हो रहा है, वो देखिए, कोई जीते कोई हारे कोई फर्क नहीं। ये शॉट अच्छा है, फील्डर उस ओर है, एक रन मिला, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहां पर टीना, वर्षा ने मना किया। पांच, पंद्रह पे पांच, पंद्रह गेंद पांच रन, फील्डिंग करने वाली टीम परमार वारियर्स मुसीबत में फंसी हुई। एक रन और, डिक्लेयर जोन में एक रन, चार रन और चाहिए। अब जीत देखने वाली बात है, वर्षा के बल्ले से आती है, वर्षा के बल्ले से बल्ले बल्ले होती है वर्षा। हाँ वर्षा सिक्स क्या लगा सकती है, वो धोनी की याद दिला सकती है। नहीं नहीं वर्षा बिल्कुल आराम से, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली। मुझे बोली थोड़ा माइक कम करना सर, बहुत बोल रहे हो आप, बहुत अच्छी प्लेयर। सिंगल लेकर के छोर को परिवर्तित करती हुई, तीन ओवर 23 रन। वर्षा हंस रही है, आपको मैंने ना निश्चय करंट पे भेज दिया सिंगल लेके। अभी भी लड़ना चाहिए फील्डिंग करने वाली टीम को, तीन रन के लिए भी थोड़ा तड़पाना तरसाना चाहिए, अभी भी कोशिश करनी चाहिए। हवा में, हवा में अभी भी मैच है। मैंने कहा ना ये दरवाजे किसी के लिए अभी बंद नहीं हुए हैं। पोरवाल, हाँ परमार वारियर्स, बार बार थोड़ा अलग नाम निकल रहा था। सिंगल लिया, चतुर बैटर हैं वहां पे, अच्छी बल्लेबाजी। दो रन और चाहिए फाइनल के चैंपियन बनने के लिए, दो रन और। एसबी राइजिंग स्टार की टीम को क्या दो रन बन जाएंगे इस गेंद पे। दूसरे रन के लिए पलटी, दो रन, एसबी राइजिंग स्टार मैग्नम शोबी की चैंपियन बन चुकी है, चैंपियन बन चुकी है। वो जश्न हो रहा है वहां पर, जिंदगी को धुएं में उड़ाता हुआ चल, जश्न, एसवी राजस्थान स्टार चैंपियन बन चुकी है।